न्यूज, खबरों की नई पहचान। समाज सेवी मुख्तार खान के आवास पर आगामी धनबाद बार एसोसिएशन की चुनाव के मद्देनजर वर्तमान बार अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की एक बैठक किया गया, जिसमें धनबाद के अधिवक्ताओं ने भाग लिया। मौके पर उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा और विशेष रूप से राधेश्याम गोस्वामी ने अपनी कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया और अधिवक्ताओं से वोट की अपील की। उन्होंने ये वादा भी किया है कि आगामी चुनाव में जीत के पश्चात वो अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अधिवक्ताओं की जरूरी व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा, साथ ही धनबाद बार एसोसिएशन के विकास में कभी भी कोई कमी नहीं होगी। आपको बता दें कि राधेश्याम गोस्वामी अधिवक्ता के साथ साथ एक समाज सेविक के रूप में भी जाने जाते हैं। एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव है, 2 साल के लिए होता है। पिछले 2016 में मुझे भारी बहुमत से लोगों ने जिताया था और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिताया था। पिछले के कमेटी पर आरोप था कि 1,21,00,000 रुपया बार एसोसिएशन का उन लोगों ने दुरुपयोग किया है। इसमें धनबाद बार के सीनियर एडवोकेट ने मुकदमा भी किया, उसमें वारंट भी निकला, हाई कोर्ट से उन्हें स्टे अभी प्राप्त है, तो मामला चल रहा है। उसी में झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने कमेटी को भंग कर दिया था और भंग करने के बाद फिर चुनाव हुआ था। उस चुनाव में वो भी खड़े हुए थे और वो पराजित हुए थे और फिर 2 साल का चुनाव होता है, तो 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया हम लोग इस में हैं। तो अधिवक्ताओं का मान सम्मान को बढ़ाने के लिए और अधिवक्ताओं के कल्याण की योजनाओं को लागू करने के लिए ये संस्था होता है और उसके दुख सुख में हर पल साथ देने के लिए संस्था का काम होता है। इस दायित्व को हमने बहुत ही ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया है। जब जिसको जहाँ जरूरत पड़ा है हम खड़े हुए हैं और उस खड़े हुए में अधिवक्ताओं को धनबाद बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं का बैठने का समस्या बहुत दिनों से चला आ रहा है, उस समस्या को दूर करने के लिए थोड़ा सा प्रयास हम लोग किए हैं और उसमें सफलता प्राप्त किए हैं। हम लोग जानते थे कि और हम लोग का कल्पना किया हुआ था कि अधिवक्ताओं को जो ये झुग्गी झोपड़ी या प्लास्टिक के छावनी में बैठते हैं, जो देश में कानून को बचा करके रखने वाला है, सेफ गार्ड ऑफ द लॉ का वकील है, लोगों को न्याय दिलाते हैं, देश को भी सुरक्षा देते हैं, और उन लोगों को बैठने के लिए न सरकार के तरफ से और न किसी भी जगह से कोई मरोवत सहायता नहीं मिलता है। ऐसे समय में संस्था के द्वारा ही योजनाओं के माध्यम से को हेल्प मिलता है। तो हम लोग SDO कोर्ट कैंपस में शेड का निर्माण करवाया है चारों तरफ से और उसमें अधूरा बाकी है, अधूरा है, तो उसको हम लोग को पूरा करना है। उस निमित्त हम इसमें लड़ रहे हैं। वहाँ पर पक्कीकरण करवाना है, जो DC साहब, SDO साहब लोगों ने भी बहुत बताया है, हम लोग स्वीकार करते हैं। और उस लाइब्रेरी को पूरा करने में कई तरह का परेशानी हमारे सामने में आया, जो कमेटी में और साथी लोग थे, कई तरह का बाधा उत्पन्न हुआ। हमको आदत नहीं है शिकायत करने का, लेकिन वो इस बार हम लोग ऐसा सुसज्जित धनबाद बार बना देंगे कि आने वाला इतिहास सब देखेगा। और अंतिम प्रोग्राम ये है कि किसी को भी कभी भी ज़िंदगी में बैठने का कोई तकलीफ धनबाद बार में नहीं होगा, क्योंकि जब हम जनरल सेक्रेटरी थे उसी समय एक G5 का नक्शा बना हुआ हम लोग के बार में है, जो पुराना बार है, और पुराना बार के बार को कि उसका छवि को किसी तरह का हम लोग छेड़छाड़ नहीं करके उसके G5 उसके ऊपर में बनाएंगे, तो 5 तल्ला बिल्डिंग होगा जिसमें सीनियर का चैम्बर होगा, अधिवक्ताओं के लिए हॉल होगा और सभी अधिवक्ताओं को बैठने के लिए अलग अलग जगह होगा। इस तरह से करेंगे। हम लोग शेड का निर्माण कराया है, पोडियम में भी शेड का निर्माण कराया है, बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है जिसको अभी पूरा करना है। इसलिए सभी लोगों से मैं राधेश्याम गोस्वामी धनबाद बार एसोसिएशन का एक अध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार हूँ। मैं आम जनता से सभी लोग, आम जनता मतलब कि हमारा वकील बंधुओं से हमारा आग्रह है कि वो इस बार भी मुझे पिछले बार की तरह उससे भी ज़्यादा